करो ना सब। ओए भाई साहब फोन डूने की ये लग करो मेरे को फॉलो कॉप से नहीं हो रहा यार। बहुत तैयारी में क्या किंतु ये करना चाहिए। ओए ओपन ओपन पास से ये नहीं सब माशे अशे मोला अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। गेम प्ले स्नाइपिंग सब कुछ को इग्नोर मारो, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि फलस्तीन ने इसराइल पे हमला कर दिया और सब मुसलमानों से ये अपील है कि दुआ करें फलस्तीन के लिए और फलस्तीन को अल्लाह फतह दे। मैं बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमला कर दिया, इसराइल ने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म कर दिया, यही सुनते आ रहा हूँ। लेकिन आज जैसे ही मैंने रात को सोशल मीडिया ओपन किया, मतलब जैसे ही मैंने टिकटॉक ओपन किया, तो मेरे सामने वीडियोज आने लग गई जिस तरह इसराइलियों का हाल कर दिया था फलस्तीन ने, तो वल्ला देख देख के मजा आ रहा था। और मैंने रात को बस यही करता रह गया। अब मैं जितनी वीडियो 3 बजे तक मैं सिर्फ ये वीडियोस देखता गया, क्योंकि मेरा दिल खुश हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह मुसलमानों पे जुल्म किया, जिस तरह औरतों बच्चों और मजलूमों पर जुल्म करता रहा ये इसराइल कब से। बाकी अगर अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला हो तो ये 1-2 क्लिप देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा। बाकी आप लोग आज आप सब लोगों ने ये करना है कि आपने टिकटॉक अपने पबजी आईडी सब जगह आप लोगों ने फलस्तीन का झंडा लगा देना है। बाकी मेरा कोई फेम लेने का मकसद नहीं था, मेरा सिर्फ यही दिले ख्वाहिश थी कि मैं आप सबको कहूँ कि फलस्तीन के लिए दुआ करो। बाकी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते। इस वजह से मैंने सोचा चलो यूट्यूब की वीडियो में थोड़ा 1-2 क्लिप अपनी पब्लिक को दिखाओ और उसे कहो कि भाई आप फलस्तीन के लिए दुआ करो, क्योंकि बहुत टाइम से फलस्तीनियों ने बहुत गम बहुत दुख देखे हैं इन इसराइलों कुफार के हाथों। तो बाकी दुआ लाजमी कर रहा हूँ और चलते हैं गेम प्ले की तरफ। और अगर गेम प्ले के बारे में बताओ तो पब्लिक आप लोगों को पता होगा कि न्यू अपडेट के बाद स्नाइपर नहीं मिलता और बहुत कम मिलता है मुझे। रात को मैंने 10 गेम के लिए 10 गेम में मेरे पहला गेम था जिसमें मुझे स्नाइपर मिला था, इस वजह से मैं थोड़ा सेफ भी खेल रहा था। और यहाँ पे मैंने इन बंदों पर 1v3 वगैरह कर दिया था। गेम प्ले के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लास्ट में मजा आने वाला है, क्योंकि लास्ट में हमारे साथ मीटअप हो जाता है 12 फैंस का। तो 12 फैंस के साथ पहले मीटअप वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद फाइट होते हैं और बहुत ही फनी सीन है। तो लास्ट तक लाजमी देखना, और अगर लास्ट तक नहीं देख सकते, टाइम नहीं है आपके पास, तो ये जगह स्किप करके लास्ट देख लो, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी ये जो स्क्वाड था ये लड़कियों का स्क्वाड था, जो कि काफी मतलब समझ रहे हो कैंपर्स थी सारे, और फाइट हो जाती है इनके साथ। और मुझे पता था कि इनका रिकॉल है और ये दोबारा हमारे लिए ब्रिज कैम करेगा, तो जैसे मैंने सोचा था वही सीन हुआ। मैं डायरेक्ट ब्रिज पे ना गया, ऊपर पहाड़ी पे आके मैंने सोचा चलो 1-2 पटके मार के उसके बाद ही फिर इनके साथ करते हैं जो होगा आगे, लेकिन इतने में पीछे से साइको भाई आके इनको फिनिश मार देते हैं। तो खैर चलते हैं मेन मिलिट्री बेस। गेम प्ले का मजा अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी बंदे रहते थे ये सारे मेरे फैंस थे और सबके साथ मीटअप होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके 10 किल 12 किल 15 किल क्यों होते, वो इस वजह से क्योंकि पब्लिक नॉर्मल गेम प्ले मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, जो कि उसका मजा नहीं आएगा क्योंकि उन गेम प्ले में मुझे स्नाइपर नहीं मिलती।
आप लोगों को पता होगा कि मेरा कंटेंट स्नाइपर है, इस वजह से मैं ये नॉर्मली गेम प्ले अपलोड कर देता हूँ, लेकिन जिसमें मुझे स्नाइपर मिला हो तब वो गेम प्ले अपलोड करता हूँ। बाकी इन बंदों के दो बंदे टीम अप कर रहे थे और एक बंदा मार रहा था जो कि हमारे साइको भाई को फुल फिनिश कर दिया। अब मैंने सोचा कि इस बंदे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं फिनिश करूंगा, लेकिन इनका मैंने एक टीममेट इस वजह से नॉक किया क्योंकि उनको पता चले कि भाई नॉक फिनिश नहीं देते, तो उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो रिवाइव हो जाओ, अभी आप मैं डेविल भाई को रिवाइव करता हूँ। उसके बाद इस बंदे के सामने मैं थोड़ा इधर उधर होके मैं समझ रहे हो, इसको मैंने पता था कि इसको मैं मारूंगा भाई, इसको तो मैंने छोड़ना नहीं है क्योंकि इसने फिनिश क्यों किया। नॉक कर देता कोई बात नहीं, मैं रिवाइव कर देता और टीम अप कर लेता कोई बात नहीं होती, लेकिन इसने फिनिश दे दिया, इस वजह से मैंने इसको भी फिनिश दे दिया। तो खैर बाकी इनके साथ मीटअप वगैरह हो जाते और सामने एक बंदा होता है जो कि उसको भी मैं पटका शटका दे देता हूँ। तो खैर अब यहाँ पे सामने चलते हैं, बाकी जितने भी बंदे सारे मीटअप हो जाते। तो सबसे पहले आप मीटअप वाला सीन चेक करो, बहुत फनी सीन होने वाला है। उसके बाद लास्ट में इनके साथ फाइट होगा जो कि 12 वर्सेस प्रो कॉपी। अब यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा क्योंकि फैन बहुत खूबसूरत खूबसूरत फनी फनी बातें भी कर रहे थे और बीच में से एक विक्टर ने एंट्री मारी यार, जो कि मेरे माइक में मेरा आवाज नहीं आता रिकॉर्डिंग में क्योंकि मेरा माइक थोड़ा सा समझ रहे हो दो नंबर वाला सीन है। माइक तो ओरिजिनल है लेकिन जो मेरा स्प्लिटर है कनेक्टर वो थोड़ा दो नंबर है, इस वजह से मेरे वीडियोज में मेरा अपना आवाज नहीं आता, जो कि यहाँ पे मैं इतना हंस रहा हूँ। यहाँ पे एक विक्टर जो होता है एंट्री मार देते हैं। तो खैर अब यहाँ पे चार बंदों के साथ मीटअप हो जाते दो लेफ्ट से और आ जाते और जो सामने से और आ जाते, मतलब जितने भी बंदे थे उनके साथ मीटअप हो जाते हैं, लेकिन लास्ट बंदा रहते जिस तरह उसकी एंट्री हो जाती है ना आप लोग भी हंसी आ जाएगी यार। इधर आ जाओ भाई, ए तुम भी आ जाओ, वो दूसरा बंदा किधर है यार, उसी के किस किधर, वो किस किधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार। हाँ बहुत बहुत प्यारा वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो है, मुझे दरमियान में खड़ा करो आप लोग, सारा आप लोग सा, हाँ मेरा सारे अभी अभी वो कर, अब ये कौन कौन फाइट करेगा। रोकोपी बिग फैन ब्रो, आपके बहुत बड़े फैन हैं यार, लव यू, लव यू रोकोपी, लव यू हो गया ब्रो, आई लव यू और स्नैप यार, आपको मोबाइल यार, वीडियो बना लो यार, जल्दी जरा वीडियो बनाओ यार, वीडियो बना लो यार, एक बार वीडियो बना लो, अकाउंट एंड फैन हो गया, अस्सलाम वालेकुम रोकोपी, टिकटॉक पे वीडियो डालना यार। जितना मैंने स्नाइपिंग किया, जितना मैंने गेम प्ले मतलब जितने बंदों के साथ मैंने फाइट किया, किसी चीज़ का इतना मज़ा नहीं आया जितना इस फैन मीटअप का आया। लेकिन आप लोग एक चीज़ बताऊं कि आजकल मीटअप से जो है बैन पड़ता है तो एहतियात लाजमी करना। बाकी यहाँ पे मैंने रिस्क ले लिया, मैंने कहा यार मेरे फैन नहीं डरते तो यार मेरी आईडी बैन भी हो जाए, कुर्बान मेरी पब्लिक से। तो बाकी विक्टर की एंट्री चेक करो यार, काफ़ी हैवी, ये लास्ट में चुप करके अंदर आ जाते हमारे स्क्वाड में घुस जाते, मतलब हम में घुस जाते कि भाई मैं भी मीटअप वाला हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे जितना यकीन है कि ये बंदा फैन नहीं था। बाकी इनके साथ दो तीन मिनट बिताए, गपशप लगाए इनके साथ, लेकिन लास्ट में मैंने कहा कि आप सब मेरे पे रश करो, मतलब आप जितने भी बंदे हो, मतलब 10 बंदे हैं वो लोग, एक तो मेरा डेविल है, उनको मैंने कहा कि आप सब मेरे पे रश करो, मैं एक और आप सब। तो बाकी इन लोगों ने आपस में स्टार्ट कर दिया, अभी आप सीन उल्टा हो गया, लास्ट में दो बंदे रह जाते जो कि उनके साथ स्नाइपर भी स्नाइपर हो जाते। अभी अभी मेरे पास AWM एमो खत्म हो जाती है, एक बार मैंने सोचा कि यार मैं फाइट लेते, लेकिन वो बंदा M24 मार रहा था, तो इस वजह मैंने सोचा यार इतने बंदे मर गए इनमें से एक के पास तो M24 होगा। फाइनली यहाँ पे मुझे M24 मिल जाती है और यहाँ भी इन दोनों के साथ मेरा फाइट हो जाता है। नाइस ब्रो, नाइस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, और ये वीडियो YouTube पे आ जाएगी सर। बाकी वीडियो यही तक थी, थैंक यू सो मच रॉक आर्मी, दिल से रिस्पेक्ट आप सब के लिए, मेरे तरफ से आप सब मेरी जान के टोटे हो, लेकिन मैं आप लोग ये कहूँ कि मीटअप ना किया करो, आप लोग की आईडी बैन होती है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।